सुप्रभात। इस वर्ष से भी गत वर्षों के भांति प्रधानमंत्री श्री मोदी बच्चों के साथ संबोधित होंगे 1 अप्रैल को, और इस संबोधन में जिसे परीक्षा पर चर्चा के नाम से हम सब जानते हैं, इस परिचर्चा और इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी बच्चों से संबोधित होंगे, और बच्चों का जो परीक्षा के दौरान तनाव है उसको दूर करने के लिए अपना जो गुर है वो सिखाएंगे, अपना अनुभव बताएंगे। और गत वर्षों के भांति ही बच्चे काफ़ी लाभान्वित होते रहे हैं, और आगे इस वर्ष भी हम इस केंद्रीय विद्यालय में सभी बच्चों को कक्षा 2 से लेकर के 12वीं तक के सभी बच्चों को इस परिचर्चा में और इस संबोधन में भाग लेने के लिए, परीक्षा पर जो चर्चा होगी उसमें भाग लेने के लिए हमने समुचित व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में हमारे जितनी भी सारी क्लासेज हैं वो स्मार्ट क्लासरूम है, उन सबको नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, और एप्पल टीवी के माध्यम से वो सारे बच्चे यूट्यूब या फिर टीवी के टेलीकास्ट के द्वारा प्रधानमंत्री से उस चर्चा में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। और उम्मीद है कि सारे बच्चे जो भी इस कोरोना काल के कारण बच्चे घर में रहे हैं, परीक्षा की तैयारी के कारण, परीक्षा शब्द ही एक तनाव ग्रस्त करने वाला शब्द है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे लाभान्वित होंगे और अपने तनाव को दूर करेंगे और जो अप्रैल 26 से परीक्षा हो रही है उसमें अच्छी तरह से भाग लेंगे। सर, आपको कैसा लगा? पानबाड़ी में बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक एक ये डिस्ट्रिक्ट धुबरी डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम है कि एक प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें शिक्षा के रूप से थोड़ी पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी अपने अध्ययन अध्यापन के द्वारा सभी बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता रहा है और आगे करता रहेगा। कविता प्रेमीसकलर बाबे एटा नतुन खबर। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক